आज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्केच प्रो। सो गाइस, आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग जो है कैसे अर्निंग प्रोजेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रोजेक्ट आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि अर्निंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है। एक एडमिन पैनल है और प्लस में एक यूजर पैनल है, जो कि दोनों बहुत ही अच्छे हैं। एडमिन पैनल से आप यूजर पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कितना यूजर्स है, कितनों किन को अपने ब्लॉक करके रखा है। यहाँ पे पेमेंट लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग ऐड कर सकते हैं कि कितना क्वाइन भी आप लोग विद्रॉ कर सकते हैं। सारा एडमिन पैनल से कंट्रोलेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग फायरबेस को कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको पता नहीं कि स्केचवेड क्या है, तो स्केचवेड पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। या यहाँ से फायरबेस को कंसोल में कैसे, फायरबेस कंसोल को स्केचवेड में कैसे ऐड करते हैं, इस पर यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को देख के जो है इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, जो कि दोनों में आप लोग ऐड कर लीजिएगा फायरबेस में, ठीक है। एंड उसके बाद चलिए सबसे पहले हम लोग इसके प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। प्रोजेक्ट का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा कि पासवर्ड क्या है। पासवर्ड वीडियो में मैं कहीं भी बता सकता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप लोग को पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये रहा एडमिन पैनल, ये एडमिन पैनल और ये यूजर पैनल। तो चलिए सबसे पहले हम यूजर पैनल को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा यूजर पैनल। यूजर पैनल में यहाँ पे सारा एक्टिविटी बना हुआ है। आप लोग इस एक्टिविटी को अपने से हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अपने हिसाब से फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा एक एक्टिविटी दिया गया है, जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन में से आप लोग ये सारे इमेजेस वगैरह एडिट कर सकते हैं। अगर आप लोग को स्केचवेड के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो, अगर नहीं है तो आप लोग बेसिक वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से भी सीख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को बना के आप लोग प्ले स्टोर पर भी ईजिली डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे एक्टिविटीज़ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि फायरबेस को अगर ऐड करना है अपने, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और प्लस में लाइब्रेरी में जाइएगा और यहाँ से, तो उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बता रखा है कि आप लोग फायरबेस को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है, चलिए हम लोग चलते हैं मैन एक्टिविटी में, और यहाँ पर आप लोग को मिलता है कॉम्पोनेंट में। कॉम्पोनेंट में यहाँ पर एक अपडेट का है, ठीक है। तो आप लोग एडमिन पैनल से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है क्लाउड मैसेजिंग। तो यहाँ से जो है क्लाउड मैसेज वाला जो है यहाँ पे से सेंड किया गया, तो इसको आप लोग जो है सर्वर की को जो है फायरबेस में आपको मिल जाएगा एक, ठीक है। क्लाउड नोटिफिकेशन का सर्वर की, उसको यहाँ पे आप लोग को इम्प्लीमेंट कर देना है, इसको डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने पैकेज नेम अगर आपको चेंज करना है, तो यहाँ से भी उस पर इसको चेंज करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ तो दिया गया है, फुली आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आप लोग को थोड़ा सा भी स्केचवेयर के बारे में नॉलेज है तो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो एडमिन पैनल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे एडमिन पैनल में भी सारा एक्टिविटी बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन को ही डायरेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर रहा एडमिन पैनल। एडमिन पैनल में यहाँ पे टोटल यूजर आपका जितने भी यूजर्स होगा यहाँ पे देख सकते हैं, उसको आप लोग ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक वाला जितना भी रहेगा इसमें शो होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ऐड पेमेंट लिस्ट, यहाँ पे जो है पेमेंट लिस्ट अपने अपने से ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने कॉइन पे कितना मतलब रुपए वो विद्रॉ कर सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2000 कॉइन्स पे मैंने ऐड कर रखे हैं 15 रुपये। 2000 अगर यूजर्स के पास कॉइन होगा तो 15 रुपये विद्रॉ कर सकता है। तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड करके डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग एंड कंफर्म, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई अगर पेंडिंग पेमेंट होगा, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा कि हाँ मुझे पेमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आपने कंफर्म कर दिया, यहाँ पे कंफर्म का एक बटन आएगा, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी कन्फर्म रहेगा यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेट वीडियो लिंक, यहाँ पे आप लोग को वीडियो यूट्यूब का वीडियो लिंक आपको डालना है, ताकि जो है आपका यूट्यूब चैनल का भी रिवेन्यू बनेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग मनी डालिएगा कि यहाँ पे फ्यूटी कॉइन्स आपको मिलेंगे, और वीडियो का आईडी डालना है। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे यूट्यूब चैनल का आप लोग लिंक को यहाँ पे कॉपी करिएगा, जिससे यहाँ पे मैंने कर रखा है, मान लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे रहता नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक स्लैश है, ठीक है, स्लेट राइट स्लेट बैक, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। तो इस फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ से, उसके बाद यहाँ आपका जितना पे पीछे वाला होगा ये सारा आपको यहाँ पे हटा देना है, और प्लस में सेंड वीडियो कर देना है। यहाँ पे आपको सेकेंड भी डालना है, कितना सेकंड तक जो है वीडियो देखेगा लो तो आपको कॉइन दे मिलेगा, ठीक है, वो उसको यूजर को कॉइन मिलेगा। तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 वीडियो डाल रखे हैं अपने ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंड लिंक और टेक्स्ट, तो कोई इनवाइट लिंक आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इन्वाइट करना चाहते हैं, तो इन्वाइट पर क्लिक करेगा तो
दिस प्रोजेक्ट दिस टेक्स्ट इज टेस्टेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया ठीक है। तो टेस्ट ये आपका लिखाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे डॉट, यहाँ पे ये वाला होगा और प्लस में यूजर का जो रेफर कोड होगा वो होगा। तो डायरेक्ट जो है वो रेफर कर सकता है किसी भी व्हाट्सअप ग्रुप में या कहीं भी वो रेफर कर सकता है। तो यहाँ से आप लोग लिंक को भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे आता है सेंड अपडेट, यहाँ से आप लोग जो है अपडेट भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंड नोटिस, यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं प्लस में इमेज भी। तो इमेज का यहाँ पे URL डालिएगा और यहाँ से सेंड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ तक आता है वीडियो वाला, तो यहाँ पर से भी आप लोग वीडियो को ऐड कर सकते हैं। चलिए अब यूजर पैनल में चलते हैं। तो यूजर पैनल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि चलिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का मेरा 129 कॉइन से मैंने इतना मैंने अर्न करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप लोग डेली बोनस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। अगर आपने चेक कर लिया होगा तो एक दिन में एक ही बार ये जो डेली चेक इन वाला होगा यहाँ से वॉच वीडियो इनका अर्न कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को भी आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। जितना कॉइन्स आपको देना होगा वो स्केचवेड के मदद से आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको विथड्रॉ वाला सिस्टम यहाँ पर है, वैलेट पे क्लिक करेगा लो तो यहाँ पे एक ऐड शो हो रहा है ठीक है। तो ऐड देखने के बाद जो है विथड्रॉ भी यूजर कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल्ली जो है एक कंप्लीट प्रोजेक्ट अर्निंग एप्लीकेशन का है, उसको आप लोग कस्टमाइज करके प्ले स्टोर पर डाल दीजिए, कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप स्केच प्रो भी नाम सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सॉरी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं या चैनल में ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाएंगे ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो अर्निंग ऐप यहाँ पे अपलोड हो रहा है, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ ठीक है। तो इस पेज पे डायरेक्ट आ जाइएगा लोग। और इसका पासवर्ड जो है आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पासवर्ड है ZXCV1234। अगर आप लोग यहाँ पे ये वाला पासवर्ड डालते हैं तो आप लोग इजीली जो है यहाँ पे आ सकते हैं और प्लस में इस पासवर्ड को डाल के और इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जीप फाइल को जो है कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्लस में अगर आपको पता नहीं कि स्केचवर्ड में कैसे इंपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख के आप लोग जो है इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली स्केचवर्ड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ एक लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में मटेरियल लिंक नेम से। उसके बाद डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।